नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो फाइनली वीडियो कल ही अपलोड करना था लेकिन आज अपलोड किया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन से ना कॉलेज में थोड़ा वर्क था एंड कल वीडियोज नहीं आया, उसके लिए सॉरी। एंड वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिएगा एंड इंड तक वॉच करना है आपको वीडियो को काफ़ी, ताकि आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से समझ भी आ सके। एंड वीडियो एडिट कर लेने से पहले मैं आपको पूरा प्रूफ बताऊंगा कि इस टाइप के वीडियो को एडिट करके आप कितने फॉलोअर्स गेन कर सकते हो एंड लोगों ने कितने फॉलोअर्स गेन कराया। तो चलिए भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना आपको सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड आपको ले चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। तो वीडियो को एडिट कर लेने से पहले हम सबसे पहले हम आपको प्रूफ दिखा रहे दे रहे हैं कि आपको इस वीडियो को एडिट करके आप कितने फॉलोवर्स तक गेन कर पाओगे। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है ना, तो सबसे पहले तो हम उनका वीडियो देखते हैं एंड ये है उनका वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को थोड़ा सा यहाँ से हम टैप करेंगे, एक मेरी कलम देखिए यहाँ पे देख रहे हो 1 पॉइंट मतलब 146,000 इनके फॉलोअर्स हैं। एंड इस तरीके का वीडियो अगर आप बनाओगे, देखो यहाँ पे 85K 153 के 90K 6.6 मिलियन देख रहे हो, यहाँ पे 6.6 मिलियन तक व्यूज यहाँ पे जा रहे हैं लोगों को, 3.5 मिलियन एंड 61.7 के 2 मिलियन यहाँ पे देखो 2 मिलियन, मतलब काफ़ी मतलब कि ना ऐसा वीडियोज वायरल होते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो को एडिट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, डाटा को ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे ऐड वगैरह ना देखने को मिले। न्यू टेस्ट को हम करेंगे डिलीट। अब ऊपर जो प्लस का आइकन है आपको प्लस का आइकन पे टैप करना है, सेव पे टैप करना है एंड सेव को आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना, देख रहे हो ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेव को अपने हिसाब से आपको है ना यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से साइज को थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज वगैरह करेंगे, जो आपको करना है यहाँ पे अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो इस वाला सेक्शन पे आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अशोक का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको अशोक को ही इनेबल करना है एंड ब्लैक कलर सेलेक्ट करके अशोक विद को आपको बाय डिफॉल्ट 2 होगा, इसे आपको 3 करना है, जब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। एक ये मेरा सेफ हो गया। अब हम प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, टेस्ट पे टैप करेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये इंसान के भूख का मामला है, ये इंसान का भूख का मामला है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे, इस तरीके से हमने शायरी को लिखा है, देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके ना यहाँ पे हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो माय फॉन्ट पे टैप करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, देन नीचे में मेरा फॉन्ट आ चुका है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। कलर वाले सेक्शन पे टैप करके हम इसे ब्लैक करेंगे, क्योंकि पीछे मेरा वाइट था बैकग्राउंड, इसलिए आगे वाले पोर्शन को हम ब्लैक करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा और भी साइज को आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे देख पाए, है कि नहीं। अब देन हम ऐसा करेंगे, ये जो आपका सेफ है इस सेफ को हम फिर से कॉपी करके यहाँ पे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने ऐड करा, इसे भी हम कॉपी करके अब यहाँ पे लिख देंगे, ये इंसान के भूख का मामला है। अब लिखेंगे जिसे मिटाने के लिए उम्र मायने नहीं रखता, जिसे मिटाने के लिए उम्र मायने नहीं रखता, जिसे मिटाने के लिए उम्र मायने नहीं रखता, उम्र उम्र इस तरीके से नीचे लिखेंगे, मायने नहीं रखता, इस तरीके से। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये भी ऐड हो चुका है, एडजस्ट इसे अच्छे से कर लेना। अब नीचे में आप अपना इंस्टाग्राम नेम आईडी वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस वाले सेक्शन पे टैप करो, देन यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट का सेक्शन है आपको ट्रांसपेरेंट करना है, देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके सेव एज इमेज कर देंगे, डायमेंशन डिफॉल्ट है, डाउन है तो अल्ट्रा, देन सेव टू गैलरी, काफ़ी ईजी है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब आपको अपने डाटा को ऑन करना है, देन यहाँ पे आपको एक VPN कनेक्ट करना है, चाहे तो आप टर्बो VPN यूज़ कर सकते हो या फिर सिक्योर VPN, सिक्योर VPN मतलब SECURE VPN। अब इस तरीके से थोड़ा ये ओपन होने में टाइम लगेगा, तब तक हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो VPN लिखा हुआ आ गया ऊपर में, देखो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका। अब हम एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, थोड़ा अच्छे सॉरी एलाइट मोशन को हमने ओपन कर दिया, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है भाई, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप इसे इजीली मतलब ना डाउनलोड कर सकते हो। हम न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे, टैप करके सबसे पहले यहाँ से एक आपको फ़ोटो ऐड करना है, जैसे ये मेरा फ़ोटो है, फ़ोटो को हम ऐड करेंगे। अब फ़ोटो को ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे आपको देखिएगा सबसे नीचे में रेशियो का जो सेक्शन है,
रेशियो वाले सेक्शन पे टैप करके 9/16 का रेशियो लेंगे। अब जितना आपका रेशियो है उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐड करना है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो एंडिंग पोजीशन में जो आपका क्या कहते हैं लोगो बना हुआ है कैपकट का, उसे हम डिलीट करेंगे। अब ये डिलीट हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे ऐड और यहाँ पे ऑडियो का जो सेक्शन मिल रहा है आपको देखने को, तो सबसे पहले हम ऑडियो पे टैप करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, आपको इस पे टैप करना है। अब इसमें से सबसे पहले हम ऑडियो को सिलेक्ट कर, मतलब ऑडियो को बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे भाई ऑडियो को हम इम्पोर्ट साउंड ऑनली, सिर्फ यहाँ पे साउंड बाहर आया। अब जितना आपका साउंड है, जितना आपका यहाँ पे आपका सॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग रखना है फोटो को, बाकी आपको इस तरीके से आपको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, देख रहे हो ना, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपको लगाना है फिल्टर वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर पे टैप करेंगे इसके फोटो के लेयर पे। अब थोड़ा राइट साइड स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो हमें फिल्टर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप फिल्टर वाले सेक्शन पे टैप करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा, जो आपको यहाँ पे फिल्टर लगानी है, जो भी आपको फिल्टर यहाँ पे आपको लगाना है, इस तरीके से ये वाला फिल्टर लगाना चाहते हो तो इस तरीके से ये फिल्टर लगा सकते हो। तो ये मेरे को अच्छा लगा, प्लम PLUM यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लम ये जो फिल्टर है मुझे अच्छा लगा देखने में, आप भी यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा इसे मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, 70 से 75 के बिटवीन में आप रख सकते हो, तो मतलब एक और उतने के बीच में आप रख सकते हो। हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, बैक जाना है, देन यहाँ पे आपको ओवरले का जो सेक्शन है आपको ओवरले वाले सेक्शन पे टैप करके ऐड ओवरले पे टैप करना है, एंड जो PNG अभी आपने बनाया था उसे आपको ऐड करना है। अब इसे थोड़ा सा ना इसे यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, एंड इसे यहाँ पे बस हो गया आपका काम। अब इसे भी हम इन तक इंक्रीज करेंगे, जितना आपका फोटो है सॉन्ग है वहाँ तक आपको इसे भी कर लेना है। आप देखिए ये आपका हो चुका है, फोटो कितना कमाल का यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लगाना है, वो इफेक्ट आपको कहाँ लगाना है, इस वाले फ़ोटो में जो पीछे है बूढ़े बाबा का जो फोटो है उनके फ़ोटो के लेयर पर टैप करना है। देन यहाँ पर आपको सॉरी यहाँ पे नहीं बैक आएंगे अभी नहीं कुछ करना, यहाँ पे जो इफेक्ट का सेक्शन है आपको लेयर पे टैप नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जो इफेक्ट का सेक्शन है इफेक्ट वाले सेक्शन पे टैप करके वीडियो इफेक्ट पे आपको टैप करना है। देन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, आपका यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में क्रोमैटिक का जो सेक्शन है क्रोमैटिक आपको इस पर टैप करना है। आप क्रोमैटिक पर टैप करें, सॉरी हाँ, अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इसे एडजस्ट करने के लिए हम एडजस्ट वाले सेक्शन पे टैप करके स्पीड आपको 20 करेंगे, स्पीड को आपको 20 करना है, एंड इंटेंसिटी को आपको 45 करना है, इंटेंसिटी को आपको 45 करना है, बस हो चुका है। अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इसे हम इन तक इंक्रीज हमें करना है यहाँ पे। अब आप वीडियो को प्ले करो सबसे पहले, तो ये इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। पीछे में कुछ क्रोमैटिक जैसा मतलब हिल डूल रहा है ना, उस तरीके से पीछे मतलब कि कुछ हिल डूल रहा है जैसे फोटो में आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए अब ध्यान से देखिए फोटो में, एंड वीडियो एक्सपोर्ट कर लोग आप कर लोगे ना तो आपको वहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक मैं ब्लैक एनिमेशन देने वाला हूँ आप लोगों को, उसके लिए क्या करना कि आप बैक जाना आपको, देन ओवरले का जो सेक्शन है आपको ओवरले वाले सेक्शन पे टैप करके ऐड ओवरले पे टैप करना है। अब ये मेरा ब्लैक एनिमेशन वीडियो है, तो ब्लैक एनिमेशन वीडियो को हम ऐड करेंगे। अब ऐड कर लेने के बाद भाई जितना आपका सॉन्ग है सबसे पहले तो इसे हम पूरा यहाँ तक इस तरीके से अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे भाई जितना आपका मतलब कि फ़ोटो है उतना तक आपको रखना है, बाकी आपको ट्रिम करना है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से यहाँ तक बाकी आपको ट्रिम करना मतलब स्प्लिट करना है, मतलब डिलीट करना, मतलब जो पार्ट आपके अनवांटेड पार्ट जिनका आपको कोई काम नहीं है उन पार्ट्स को आपको डिलीट करना है। आप यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये देखिए पीछे में कुछ छूट गया तो इसे हम यहाँ तक बढ़ा लेंगे आपका। देखिए अब ऊपर में मेरा एनिमेशन वीडियो, तो एनिमेशन वीडियो को कैसे हम हटाएंगे, एनिमेशन वीडियो के लेयर पे टैप करना है आपको इस तरीके से। देन यहाँ पे ब्लेंड का जो सेक्शन है आपको ब्लेंड वाले सेक्शन पे टैप करना है। देन फिल्टर का सबसे फर्स्ट में ही आपको फिल्टर देखने को मिल रहा है, आपको फिल्टर पर टैप करके इसे आपको 25 रख लेना है, आपको फिल्टर को टैप करके 25 रखना है, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम वीडियो को प्ले करते हैं इस तरीके से, देखिए कितना कमाल का वीडियो बन चुका है, आप देख रहे हो ना, तो इस तरीके से वीडियो आपका बन चुका है। आप ऊपर में एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पर टैप करके इस तरीके से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और नई एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।